मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम आशा गौतम, योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, सम एप्पल्स प्लीज. बिफोर वी बिगिन, हेयर आर टू एक्सरसाइज यू नीड टू डू. इन द फर्स्ट, हेयर इज अ क्रॉसवर्ड विच यू हैव टू कंप्लीट टेकिंग द हिंट्स गिवन ऑन द लेफ्ट. ओके, यहाँ एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है और उसके लिए रिगार्डिंग आपको हिंट्स मिले हैं. अब हिंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे आपको फ्रूट नेम फिल करना है. क्लियर? सो लेट्स टेक अ फर्स्ट हिंट. हैज़ अ प्रिकली आउटर कवरिंग विद येलो फ्रूट इनसाइड. एक फ्रूट है जिसको बाहर से जो प्रिकल करता है, कांटे की तरह चुभता है, लेकिन जब हम उसको अंदर से देखते हैं तो उसके अंदर येलो होता है फ्रूट. तो कौन सा फ्रूट है? सो गेस व्हाट, पाइनएप्पल. सो फर्स्ट इज पाइनएप्पल. रेस्ट ऑफ यू हैव टू डू by yourself. Second, there are some blanks in which you have to write down the name of the fruit by unscrambling it. For example, GONMA. Guess what it is? MANGO. Mango. So this is mango. So rest of you have to do it by yourself. Moving on to the chapter, there is an old woman who wants to eat apple pie and she doesn't have apples at all. Still, she tries her best to get what she wants and not losing hope. Let's read and find if she will get the apples or not. This happened a very long time ago in England. ये बहुत टाइम पहले की बात है. इंग्लैंड में ये हुआ था. देयर वॉज अ लिटिल ओल्ड वूमेन हु लिव्ड इन अ लिटिल कॉटेज इन अ विलेज. एक ओल्ड वूमेन थी, लिटिल ओल्ड वूमेन, जो एक विलेज में, एक लिटिल कॉटेज में रहती थी. वन डे शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई. एक दिन वो एप्पल पाई खाना चाहती थी. फर्स्ट फाइंड आउट वट इज एप्पल पाई. बेक डिश ऑफ पेस्ट्री फिल्ड विद स्वीटेंड एप्पल्स. एप्पल पाई एक डेजर्ट है जो एप्पल से बनता है. उसके अंदर वो पेस्ट्री टाइप में होता है जिसमें हम एप्पल्स के चॉप करके, उनके कटिंग करके, उसके रस को उसमें मिलाते हैं और एक डेजर्ट बनाते हैं. सो दिस इज अ एप्पल पाई. क्लियर? द मोर शी थॉट अबाउट इट, द मोर शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई मेड ऑफ जूसी रेड एप्पल्स. जितना वो एप्पल के बारे में सोचती थी उतना ही उसको और खाने की इच्छा हो रही थी कि मुझे एप्पल पाई खाना है. वो बहुत जूसी रेड एप्पल से बना होता है. बट शी हैड नो एप्पल्स. लेकिन उसके पास एप्पल्स नहीं थे. शी हैड अ पियर ट्री फुल ऑफ राइप येलो पियर्स एंड अ प्लम ट्री फुल ऑफ जूसी रेड प्लम्स. लेकिन उसके पास एप्पल्स नहीं थे. उसके पास क्या थे? उसके पास एक पियर ट्री थी, एक नाशपाती का ट्री था बहुत बड़ा और जिसमें बहुत अच्छे येलो कलर के नाशपाती लगे हुए थे. और उसके पास एक प्लम ट्री था, बेर का ट्री था, जिसमें बहुत अच्छे रेड कलर के जूसी प्लम रेड प्लम लगे हुए थे. बट हाउ कैन वन मेक एन एप्पल पाई विथ पियर्स और प्लम. लेकिन एक एप्पल पाई पियर और प्लम से कैसे बन सकती है? एंड द ओल्ड वूमेन लॉन्च फॉर एन एप्पल पाई. लॉन्च फॉर मीन्स वॉन्टेड वेरी मच. लेकिन जो ओल्ड वुमेन थी उसको बहुत ज़्यादा एप्पल पाई ही खाना था. आई नो वट टू डू. मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. आई टेक सम ऑफ माई प्लम्स टू द मार्केट एंड गेट एप्पल्स इन एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अनदर इन रिटर्न. एक्सचेंज मतलब हम कुछ देते हैं और उसके बदले में हमें कुछ मिलता है. फॉर देम, उसने बोला कि मुझे पता है मुझे क्या करना है. मैं प्लम्स को लेके जाती हूँ, बेरों को लेके जाती हूँ मार्केट में और एक्सचेंज में उसके बदले में एप्पल्स लेके आती हूँ. शी सेड टू हरसेल्फ. ये उसने अपने आप से बोला. सो शी सेट ऑफ विच द प्लम्स इन अ बास्केट ऑन हर आर्म. इसके बाद उसने प्लम्स को एक बास्केट में डाला और अपने आर्म्स में लेके बास्केट को चलने लगी. एज शी वॉक्ड अलोंग द रोड शी हर्ड अ लॉट ऑफ कैकलिंग एंड क्विकिंग. जैसे वो रोड पे चलने लगी उसको एक आवाज़ आई. कैकलिंग मीन्स कुड़कुड़ाने की, क्विकलिंग मीन्स वहाँ पे जो डक्स थी उनकी कुड़कुड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ी उसे. शी पीप्ड ओवर द हैज
एंड सॉ अ यंग वुमन ट्राई टू हर्ट अ फ्लॉक ऑफ हैंस डक्स एंड गीज। उसने झांक कर देखा कि वहाँ हैज मीन्स बाड़े में एक यंग वुमन है जो ट्राई कर रही है, जहाँ हर्ट मीन्स हर्ड अ फ्लॉक, बहुत सारे झुंड था किसका, हैंस का, डक्स का, गीज का, उनके पास खड़ी उनको कुछ खिला रही थी एक यंग वुमेन। द यंग वुमेन लुकड अप, जब यंग वुमेन खिला रही थी तो उसने यंग वुमेन देखा कि वहाँ पे एक ओल्ड वुमेन खड़ी है। हेलो शी सेड, ओल्ड वुमेन ने यंग वुमेन को बोला, हेलो आरंट दीज बर्ड्स नॉइजी, क्या ये बर्ड्स नॉइज नहीं कर रहे हैं। देन द यंग वुमेन एंड द ओल्ड वुमेन स्टार्टेड टॉकिंग लाइक ओल्ड फ्रेंड। इसके बाद यंग वुमेन और ओल्ड वुमेन इस तरह बातें करने लगी जैसे वो बहुत पुरानी दोस्त हो। द ओल्ड वुमेन शोड द यंग वुमेन द प्लम्स एंड सेड हाउ मच शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई। इसके बाद ओल्ड वुमेन ने यंग वुमेन को प्लम की बास्केट दिखाई और बताया कि मुझे कितना, मैं चाहती हूँ एप्पल पाई खाना, मुझे कितना मन है एप्पल पाई खाने का। ओ सेड द यंग वुमेन, यंग वुमेन ने कहा, अच्छा माई हजबेंड वॉन्ट्स टू हैव प्लम जाम एंड आई हैव नो प्लम्स एट ऑल ऑन द फार्म। यंग लेडी ने कहा, मेरे हस्बैंड प्लम जाम खाना चाहते हैं जैम, लेकिन मेरे फार्म में प्लम तो है नहीं। आई वुड लव सम, मैं कुछ लेना चाहूँगी, बट आई हैव नो एप्पल्स टू गिव यू, लेकिन मेरे पास एप्पल्स नहीं है इसके बदले में तुम्हें देने के लिए। आई कैन ओनली गिव यू अ बैग ऑफ फैदर्स इन एक्सचेंज फॉर दैम, मैं तुम्हें बेर के बदले में फैदर का बैग दे सकती हूँ एक। वेल सेड द ओल्ड वुमेन लुकिंग एट द जूसी रेड प्लम्स, सैड ओल्ड वुमेन ने अपने प्लम को देखते हुए बोला, ठीक है आई सपोज एट लीस्ट वन ऑफ अस विल हैव अ विश, कोई बात नहीं आप मुझसे ये ले लो, मैं सपोज कर लूँगी कि हम दोनों में से किसी एक की तो विश पूरी हुई। सो शी गेव द प्लम्स टू द यंग वुमेन एंड टुक द बैग ऑफ फैदर्स एंड पुट इट इन टू हर बास्केट। इसके बाद ओल्ड वुमेन ने यंग वुमेन को प्लम्स दे दिए और उसे फैदर का बैग लेके अपनी बास्केट में रख लिया। एट लीस्ट द फैदर्स वर लाइटर टू कैरी, कोई बात नहीं फैदर्स लाइट है मैं उनको आराम से कैरी कर लूँगी। शी सेट ऑफ वंस मोर फॉर द मार्केट, वो आगे मार्केट की ओर बढ़ गई दोबारा, होपिंग दैट शी वुड गेट सम एप्पल्स फॉर द फैदर, होप करते हुए कि शायद मुझे इस फैदर के बदले में आगे एप्पल्स मिल जाए। द रोड वॉज लॉन्ग एंड शी वॉकड अंटिल शी केम टू अनदर फार्म, वो आगे बढ़ती गई तब तक कि जब तक वो दूसरे फॉर्म पे नहीं पहुंच गई। द मोस्ट डिलीशियस स्मेल्स केम फ्लोटिंग आउट ऑफ द किचन विंडो ऑफ द फार्म हाउस, जैसे वो आगे बढ़ी तो एक फार्म हाउस में किचन से उसको एक फ्लोटिंग मीन्स बहती हुई एक डिलीशियस स्मेल बाहर आई। द ओल्ड वुमन स्टॉप्ड एट द गेट टू स्मेल द फ्रेश ब्रेड एंड केक्स, ओल्ड वुमन उस फार्म हाउस के गेट पर रुकी और उस स्मेल को जो गेट के बाहर से विंडो के बाहर से निकल रहे थे उसको स्मेल करने लगी, तो उसने क्या पाया कि फ्रेश ब्रेड एंड केक की स्मेल थी वो। एज शी स्टूड देयर शी हर्ड अ मैन एंड अ वुमेन क्वेरलिंग लाउडली, व्हाट इज मीनिंग बाय क्वेरलिंग, आर्गुइंग एंग्रीली, क्वेरलिंग मीन्स उसने वहाँ पे जैसे गेट के अंदर झाँक के देखा तो वहाँ पे एक मैन और वुमेन उसको आवाज़ आई उनकी लड़ाई की और बहुत तेज तेज लड़ाई कर रहे थे। इट इज़ बेस्ट टू स्टफ अ पिलो विद स्ट्रॉ, शी सेड द वुमेन इन एन एंग्री वॉइस। स्ट्रॉ मीन्स ड्राइड स्टॉक ऑफ ग्रेन्स क्रॉप्स लाइक वीट, ड्राइड लीव्स जो आती हैं जब ग्रेन होता है हमारे अनाज होता है जो उसका क्रॉप्स होता है बचता है जो ड्राइड हो जाता है सूख जाता है उसको स्ट्रॉ कहते हैं। वुमेन ने गुस्से में बोला कि नहीं, जो पिलो के अंदर जो स्ट्रॉ होता है पिलो के अंदर स्ट्रॉ भूसा भरा होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। आई डोंट थिंक सो, कॉटन इज बेस्ट, इजंट इट मच सॉफ्टर, सेड द मैन इन एन एंग्री वॉइस। मैन ने भी गुस्से में कहा, नहीं मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रॉ अच्छा होता है, मुझे लगता है कि कॉटन ज़्यादा बेस्ट होता है वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हेलो सेड द ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन जब वो लड़ाई कर रहे थे उनको देखा और बोला हेलो। द वुमेन एंड द मैन टर्न टू लुक एट हर, जैसे ओल्ड वुमेन ने उनको हेलो बोला मैन और वुमेन पलट के उसको देखने लगे। ओ वुड यू प्लीज हेल्प अस सेटल दिस, इज इट बेटर टू स्टफ अ पिलो विद स्ट्रॉ और कॉटन, क्या आप हमारी हेल्प करोगी कि पिलो के अंदर स्टफ अगर भरते हैं तो ज़्यादा अच्छा क्या होता है स्ट्रॉ या कॉटन। वी कांट एग्री सेट द वुमेन, वुमेन ने कहा मैं इससे एग्री नहीं करती।
ओ नाइदर सेड द ओल्ड वुमन, वुमन ने कहा ये दोनों ही अच्छे नहीं होते। आई वुड स्टफ इट विद फैदर्स, फैदर्स मेक द बेस्ट पिलो, उसने बोला मैं तो अगर स्टफ करना चाहूँगी तो पिलो में फैदर स्टफ करूँगी, फैदर को स्टफ करूँगी पिलो के अंदर, क्योंकि फैदर ज़्यादा अच्छे होते हैं और वो सॉफ्ट होते हैं। ओ बट वी डोंट हैव फैदर्स सैड द कपल सैडली, कपल ने बोला लेकिन हमारे पास तो फैदर है नहीं। दैट इज हार्डली अ प्रॉब्लम आंसर द ओल्ड वुमन क्विकली एंड शी गेव द बैग ऑफ फैदर्स टू दैम। ओल्ड वुमन ने कहा ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसने बोला और उनको अपना जो बैग था फैदर वाला उनको दे दिया। ओ थैंक यू सैड द कपल, कपल ने उस फैदर वाले बैग को लेके थैंक यू बोला। I would love to have some apples in return, she said the old woman. Old woman ने कहा मुझे फैदर के बदले में apples चाहिए। We have no apples, but here is some freshly baked bread, said the man and gave her two large loaf fresh from the oven. मैन ने बोला हमारे पास apples नहीं है लेकिन fresh bread है, और उसको कहने के बाद मैन ने oven से fresh bread निकाली और दो loaves के fresh breads के वो ओल्ड वुमन को दे दिए। वेल एट लीस्ट आई कैन हैव ब्रेड एंड सोप फॉर डिनर, थॉट द ओल्ड वुमन। वुमन ने पूछा सोचा कोई बात नहीं मैं डिनर में ब्रेड और सूप ही पी लूँगी। इवन इफ आई डिडंट गेट एनी एप्पल्स आई डिड स्टॉप द क्वेरी, कोई बात नहीं मुझे फैदर के बदले में एप्पल्स सुने मिले लेकिन कम से कम मैंने उनकी लड़ाई को तो रोक दिया। क्लियर। वंस अगेन She came onto the main road and headed for the market. आगे दोबारा उसने आगे चलना शुरू कर दिया मार्केट की तरफ। She came to a cottage and there she saw a mother and her children in front of the cottage door. वो आगे चढ़ती है और देखती है कि रोड पे आगे जाती है तो वहाँ पे उसको कॉटेज दिखता है। कॉटेज के बाहर एक मदर अपने चिल्ड्रन के साथ बाहर बैठी होती है कॉटेज की डोर पे। दे लुकड वेरी सैड, और वो देखने बहुत दुखी लग रहे होते हैं। वॉट्स द मैटर आज द ओल्ड वुमेन, ओल्ड वुमेन पूछती है क्या बात है क्यों आप इतने दुखी हो। वाई आर यू सो सैड एंड सच अ ब्राइट एंड लवली डे, आप क्यों इतना दुखी हो इतने अच्छे दिन पे इतना ब्राइट डे है। माई चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन ऑल द डे एंड देर इज नो मनी फॉर फूड, सैड द मदर। मदर बोलती है मेरे बच्चे भूखे हैं पूरे दिन से और मेरे पास मनी नहीं है फूड बाय करने के लिए। How can I keep this bread when they all so hungry? Thought the old woman. Old woman सोचती है मैं ये bread कैसे रख सकती हूँ जबकि ये बच्चे सारे भूखे हैं। She took out the two fresh loaves and gave them to the mother. वो अपनी basket से उन two breads के loaves को निकालती है और mother को दे देती है। How kind of you, तुम कितनी दयावान हो। I'm sorry that we have nothing to give you in return. माफ़ करना लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है इसके रिटर्न में आपको देने के लिए। बट मे बी यू वुड लाइक दिस लिटिल पपी, शायद लेकिन तुम इस लिटिल पपी को पसंद करोगे। ही वुड बी अ वंडरफुल कंपेनियन फॉर यू, ये बहुत अच्छा कंपेनियन है तुम्हारे साथ रहेगा साथी हो सकता तुम्हारा। द मदर सैड, मदर ने उसको कहा पपी देते हुए। द ओल्ड वूमन वॉजन सो श्योर दैट शी वॉन्टेड द पपी बट शी डिडेंट वॉन्ट टू से नो टू द मदर। ओल्ड वुमन पपी लेना शायद नहीं चाहती थी लेकिन उसको श्योर नहीं था, लेकिन वो मदर को ना नहीं कहना चाहती थी। सो शी पिक्ड अप द पपी पुट हिम इनटू द बास्केट एंड थैंक्स द मदर। फिर उसने पपी को लिया और अपनी बास्केट में अंदर डाला, पपी को रखा अंदर और मदर को उसके लिए थैंक यू कहा। देन शी स्टार्टेड ऑफ अगेन, उसने दोबारा चलना शुरू कर दिया वहाँ से, फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। What an odd and funny day it has been, thought that old woman as she walked along. और वुमन अपने आप से बात करती हुई सोचती जाती कि आज का दिन कितना अजीब और फनी है। Who knows I might still get my apples, कौन जानता है कि मुझे मेरे apples मिलेंगे। Then as she turned a corner she saw an apple tree full of ripe red apples in the garden of cottage. वेरी मच लाइक हर ओन। जब वह टर्न करती है कॉर्नर पे वहाँ पे रोड से टर्न करती है देखती है एक बड़ा सा एप्पल ट्री होता है उसमें बहुत अच्छे से एप्पल्स होते हैं जूसी एप्पल्स होते हैं और बहुत अच्छे जैसे जैसे उसको चाहिए थे लाइक हर ओन। एन ओल्ड मैन सेट आउटसाइड, उस जहाँ पे एप्पल ट्री था उस वहाँ पे घर में उसके बाहर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था बाहर की साइड।
What a beautiful apple tree! exclaimed to old woman. Exclaimed means shout loudly. वो चिल्लाते बोलती है old woman. Wow, कितने अच्छे apple हैं तो apple tree पे इतने अच्छे beautiful apple हैं. You can make such a nice apple pie with those apple. तुम तो बहुत अच्छे apple pie बना सकते हो इतने अच्छे apple से. replied the old man sadly. Of what use is an apple tree or apples to a lonely old man like me? मैन ने बोला ये एप्पल ट्री का एप्पल्स का क्या यूज़ है, मैं तो यहाँ पे एक अकेला आदमी हूँ. वेल आई थिंक आई नो द आंसर टू दैट, शायद मैं इसका आंसर जानती थी. वुड यू लाइक दिस लिटिल डॉगी इन रिटर्न फॉर अ बास्केट ऑफ एप्पल्स फ्रॉम योर ट्री? क्या तुम मुझे एक बास्केट एप्पल दोगे और मैं इसके रिटर्न में तुम्हें डॉगी दे दूंगी? ही वुड बी गुड कंपेनियन सेड द ओल्ड वुमेन एंड शी लेट द पपी आउट ऑफ हर बास्केट. ये तुम्हारा एक बहुत सा साथी बनेगा. ये कहते हो ओल्ड वुमेन ने अपनी बास्केट से पपी को बाहर निकाला. द पपी रेन टू द ओल्ड मैन एंड स्टार्टेड रोलिंग अबाउट हिज फीट. जैसे पपी बाहर निकला बास्केट से वो मैन के पास गया और उनके पैरों में घूमने लगा. द मैन स्माइल्ड एंड पिक्ड द पपी अप इन हिज आर्म्स. मैन ने स्माइल किया, खुश हुआ और पपी को अपने आर्म्स में उठा लिया. एंड दैट्स हाउ द ओल्ड वुमेन गॉट एप्पल्स फॉर द प्लम्स शी हैड टेकन फ्रॉम हर ट्री. इस तरह से ओल्ड वुमेन जो अपने घर से प्लम्स लेके चली थी अपने प्लम ट्री के, और उसको इसके एक्सचेंज में एप्पल्स मिल गए एंड में. शी वेंट होम बेक द लवली एप्पल पाए एंड एंजॉयड इट फॉर डिनर. वो अपने घर वापस गई, एप्पल को बेक किया और उनका एप्पल पाए बनाया और डिनर में उसको इंजॉय किया. Finally, she got apples for apple pie. She always helped everyone and the end she got what she wanted. This even gives message to us that we must always help others and stay positive. And also we should always work hard for what we want in our lives. Thank you.